बैकवर्ड एरिया को दिया सो काम डायरेक्ट लैंडर को दे रहा है। पांच साल तक एक बार काम करे तो पांच साल तक हमेश मेंटेनेंस करके, पांच साल के बाद फिर एक बार मेंटेनेंस ये बटनाबर करके दे रहे। दस साल चल रहे वो रोड है, इनको दिए से रोड है, एक छह महीना एक महीना भी एक साल भी नहीं चल रहे। ये देखिए गवर्नमेंट को लॉस कर रहे, काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को बहुत तकलीफ हो रहा है। सब ये लोगों का पैसा है, लोगों टैक्स भरे सौ पैसा है। एक एग्जीक्यूटर है और एडब्ल्यू है और एक सेक्शन ऑफिसर दो है, टोटल वो चार लोग है। शासक एक पांच लोगों को पैसे जाना ये कम्प्लीट है। अब आया सो कांग्रेस सरकार वाले और पिछले बीजेपी सरकार वाले लैंड आर्मी को काम दे रहे हैं, केकेआरडीबी का। केकेआरडीबी बोले तो हमारा बैकवर्ड एरिया है, इसमें छह डिस्ट्रिक्ट आता, बैकवर्ड एरिया को दिया सो काम डायरेक्ट लैंड आर्मी को दे रहे हैं। हम कॉन्ट्रैक्टर वाले को लैंड आर्मी बोले तो एक एजेंसी है, वो हमारा जैसा कॉन्ट्रैक्टर जैसा एक एजेंसी है, वो एजेंसी को विदाउट क्वालिफिकेशन उनको काम दे रहा है, डायरेक्ट दे रहा है। ऐसा दिया तो हम बाकी कॉन्ट्रैक्टर क्वालिफाइड रहे जैसा कॉन्ट्रैक्टर, छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्टर को उन लोन लेके मशीनरी लेके काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को बहुत तकलीफ हो रहा है। उन अगर उनको देना है बोले तो टेंडर में उन पार्टिसिपेट करना फर्स्ट, कि ऑल केकेआर वर्क्स विल बी कॉल टेंडर, देन ही विल पार्टिसिपेट इन टेंडर, देन इफ passed in tender that काम will go to land army, otherwise उनको काम देने का मतलब नहीं है उनको। ये देखे गवर्नमेंट को लॉस करे, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर टेंडर डाले तो 10% लेस डालते, 20% लेस देते, वो 10% 20% डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट है। लैंड आर्मी कोई लेस परसेंटेज काम नहीं करता उन लोग, इसलिए गवर्नमेंट को लॉस है। और इधर हैदराबाद कर्नाटक वाले का सब छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर और बड़ा कॉन्ट्रैक्टर वो एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर को बहुत तकलीफ हो रही है, यहाँ से फंड मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है। वो पूरा हैदराबाद कर्नाटक का एमएलए 41 मेंबर्स एमएलए पूरा लैंड आर्मी को प्रिफर कर रहे हैं और निर्मित केंद्र को प्रिफर कर रहे हैं, एक गलत बात है। सात डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष लोग मिलके वो थोड़ा तुम्हारा उनका डिमांड क्या है बोले तो ये सब काम लैंड आर्मी को दे रहे, शासक लोग लैंड आर्मी को दे रहे, लैंड आर्मी को कैसा वस्ते दे रहा है बोल के एक 8 दिन पीछे एक मीटिंग बुला के सब एमएलए को मिनिस्टर को और मुख्यमंत्री को लेटर दिए, सब हमारे को अन्याय होता, पीछे का हमारा पेमेंट नहीं हो रहे, ये भी नकदी आई तो पेमेंट उनको दिए तो कैसा है, हम वो समाधि बोल के लेटर दिए, अभी तक उनका अनुसार कोई भी नहीं आया, क्या भी नहीं आया। इसके वास्ते ये फिर एक 50 करोड़ रुपये दिए उनको सब एक आमदार को, वो पैसा फिर लैंड को नहीं जाना बोल के आज मीटिंग बुलाए, वो मीटिंग में एवरी 50 करोड़ रुपए दिए, उसके वास्ते मीटिंग बुलाए के आगे का वो लैंड आर्मी को मत दो, लैंड आर्मी का काम देखो हमारा काम देखो, क्यों बोले तो लैंड आर्मी वाला बताते 7% इनकम, हम गवर्नमेंट को बताते 9% उनसे 2% ज्यादा बताते हम कॉन्ट्रेक्टर लोग, और एक हम वो पैसा हम खुद हाथ से डाल के पैसा करते क्या करते, उन्हों क्या करते 40% एडवांस लेके काम करते, उसके वास्ते उनको जिम्मेदार कोई नहीं, क्या भी नहीं। और एक 5% हम रॉयल्टी भरते सरकार को, उन्हें एक पैसे भी नहीं भरते, क्या कैसा है विषय में उनको दे रहे कंप्लीट काम है। उनको भी एक सरकार बोर्ड है, उनको एक 10% देना बोल के कानून में है, वो 10% ही देना है, वो 50 करोड़ अब गया गए साल 1200 करोड़ से पैसा आया 7 डिस्ट्रिक्ट को, 70% उनको दिए 70%, उसमें थोड़े 3-4 MLA लोग 5-6 MLA लोग नहीं दिए उनको, अच्छा नहीं काम नहीं करता बोल के, बाकी के लोग सब उनको दिए, ऐसे करे तो कैसा हम क्या करना है। सब वो बैंक में लोन लेके गाड़ी लिए, डाम्बर प्लांट लिए, उनका पास गाड़ी भी नहीं, डाम्बर प्लांट भी नहीं, एक्सपीरियंस ऑफिसर भी नहीं, हमारे पास चीफ इंजीनियर है पीडब्ल्यू में और SC है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, EW है, नर्सिंग एक्सपीरियंस ऑफिसर है, वो लोग काम करते अच्छे हो गए तो पेमेंट देते रहे हमारे को, नहीं तो पेमेंट नहीं देते। वो 5 साल तक मेंटेनेंस कर रहे हमारा कॉन्ट्रैक्टर लोग, 5 साल के बाद फिर
एक डांबर करके दे रहे, 5 साल तक एक बार काम करे तो 5 साल तक हमेश मेंटेनेंस करके, 5 साल के बाद फिर एक बार मेंटेनेंस ये डांबर करके दे रहे, 10 साल चल रहे वो रोड है, इनको दिए से रोड है 6 महीना 1 महीना भी एक साल भी नहीं चल रहे, ऐसा बने तो कैसा जी, ये किसका पैसा है, सब ये लोगों का पैसा है, लोगों टैक्स भरे सो पैसा है, एक ही घर को एक शासक के घर को और एक 4 लोग है उसमें, एक एग्जीक्यूटिव है और AW है और एक सेक्शन ऑफिसर 2 है, टोटल वो 4 लोग है, शासक एक, 5 लोग, 5 लोगों को पैसे जाना ये कंप्लीट है, ये 50 करोड़ दिए सो, ये क्या कानून में ऐसा है, तो बहुत आगे बहुत मुश्किल होता है, और आगे लोग भी थोड़ा हुचर होना इसमें। हमारों को नहीं, ना PW को दो, GDP को दो, टेंडर टेंडर में कौन आता है उनको दे, उनको दे टेंडर में निकालो, टेंडर बुलाओ, टेंडर में कौन आता है उनको दे। हाँ, गुत्तेदारे साकु कष्टे इलीवे अनुभवसद ना निम्द मध्यम मुद्दे अंत पर्स्थित ना अनुभवस नमलक KKDP वर्ग KKDP ग्रांट कल्याण कर्नाटक ग्रांट नावे बदकी कल्याण कर्नाटक ग्रांट नावत कर्नाटक राज्य में इू 7 जिले के मीसल 5,000 6,000 कोटी इंदू कूड़ा अनुकूल मू बदी बाड़ू स्वल्प EMI कटे ना अनुकूल इू कूड़ा सरकार इू कूड़ा KDL मत KK अद निर्मति निर्मित केंद्र इंतवेल अन्य संस्थे को नाबाड़े और कोड़ोदा नम जो गुत्तेदार जो पार्टिसपेट और टेंडर हाकली अद्ने बुटे जनप्रतिनिधि तवा डैरेक्टर हिंग होगा और हंग हो BJP हंग हो इवर हिंग होता इवर हे अरे डैरेक्टर को दुड वसूल जनप्रतिनिधि नमगू भाला कष्ट आगे इन मेले नावे बीदी बर पर्स्थित बंद बीदी बर्ती इवती कर्दी नानूब कर्नाटक राज्य जॉइंट सेक्रेटरी रायचूर जिला अध्यक्षर गुत्तेदार संघ जिला अध्यक्षर गुत्तेदार संघ कर्नाटक राज्य जॉइंट सेक्रेटरी नानी बंदी इन स्वल्प दिन नोड़ होराट कलबुर्गी इले कलबुर्गी सेक्रेटरी कल्याण कर्नाटक सेक्रेटरी होराट कीड़ी इडी कर्नाटक राज्य जिला गुत्तेदार ना कल्ती होराटी कल्याण कर्नाटक दुडन गुत्तेदारे अनुकूल आगतक दुडन ना उल्सकती ना सदर्भदी मुझे बैस मत लैंडारिम को लैंडारिम को बेड़ा लैंडारिम को स्वतंत्र हो नम जो पार्टिसपेट मेना नम जो मे ना बेड़ते नमने कणीर कणीर हाकसती इवत लाइसेंस रिन्यूअल आगे हिंदी सरकार रिन्यूअल आगे आते इवन आगते इवत लाइसेंस हाड़ी नमु कलास 5 वर्ष वर्क डौन लाइसेंस कलास आमले लाइसेंस तक अंत पर्स्थितल ना नावेनती लैंड आर्मी निर्मित केंद्र को हेल्ता को नमंग पार्टिसपेट मो टेडर हाकते ना अस्टे ना पार्टिसपेट मो नम जो टेडर हाकय्या नहीं शासक ना मान्य जिला अधिकारी होंगे नम कष्ट हेल्क आयत ना हेतनी अंतर नोड़ी इन 4 दिन नोड़ी 4 दिन नोड़ अद्वे उग्र होराटे गुलबर्ग कलबुर्गी जिले आ जून इोद्रा आमेल KKDP